बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिटेल में नहीं घुस रहे हैं हाँ, जो एनसीआरटी में है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे कोई टेंशन ही नहीं है उस की तो ठीक well, है उनको देख के आपको डरना लगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछा हुआ है क्योंकि सिलेबस अलग था बेटा आप ये समझो दो हजार पांच से पहले आपकी एनसीआरटी अलग थी सो सिंस सिलेबस वॉज डिफरेंट यू विल फाइंड डिफरेंट क्वेश्चन टिल 2005 तो इसलिए जब आप मुझसे पूछते हो मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब तक के करने हैं कितने करने हैं डोंट गो बियड टू थाउजेंड ठीक है क्योंकि पांच साल के डिफरेंस में ही आपको काफी चीजें एम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आ, स्टेट पीएमटीज होते थे उस टाइम पे तो उनके अलग अलग पेपर मिल जाएंगे अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे सो प्लीज डोंट ओवर स्ट्रेस जरूर एक बार पी देख रहे हो तो उसमें यह चीज़ जरूर देखना कि दो से पहले का है या दो से पहले का क्वेश्चन तो नहीं है बिकॉज एन सी आर टी डिफरेंट सिलेबस डिफरेंट ठीक है चलिए ओके लेट्स गो हाँ जी आ गए सबको शाबश आ जाओ आ जाओ जल्दी आज ओके okay, पांच बजे क्लास होती है यहां पे पीडीएफ अपडेट कर दूंगी मैं ठीक है आईल अपडेट द पीडीएफ योर बेटा जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब बुलाओ बच्चों को इसके बाद इन दो चैप्टर्स के बाद माइक्रोब्सो स्ट्राटी के बाद हमारा इकोलॉजी जैसा बहुत ही बेबी यूनिट रह जाएगा इंपॉर्टेंट ठीक है इंपॉर्टेंट यूनिट बट वेरी इजी वेरी सिंपल वेरी वेरी सिंपल एंड इजी ठीक ओके लेट्स गो यूजेस ऑफ माइक्रोब्स वेयर डू यू फाइंड माइक्रोब्स हमारे चारों तरफ ठीक है लिटरली माइक्रोब्स आर एवरीवेयर अभी आपने कितना नाम सुना होगा येलो फंगस ब्लैक फंगस ग्रीन फंगस ब्लू येलो पर्पल हर कलर का जो फंगस आपके पास आ गया कलर चेंज कर करके है ना वो जो हर पांच मिनट में अपना कलर बदल रहा है दैट इज नॉट द सेम फंगस दैट इज गेटिंग म्यूटेटेड आप समझ रहे हो डिफरेंस वायरस कोरोना वायरस आर आर गेटिंग म्यूटेटेड वर्जन जो फंगस है वो इतना जल्दी म्यूटेट नहीं होता है तो जो आपको अलग अलग व्हाइट पिंक ब्लू ब्लैक पर्पल ऑरेंज जो सतरंगी फंगस आपको दिख रहा है दिस इज बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस अब ऐसा नहीं है कि आज की डेट में ही इजाद हो गया इट इज ऑलवेज देयर आपके चारों तरफ स्पोर्स होते हैं आपके चारों तरफ माइक्रोब्स हैं हार्मफुल भी और हेल्पफुल भी इनफैक्ट आपकी बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स हैं बहुत सारे माइक्रोब्स हैं दैट आर हेल्पफुल एंड हार्मफुल ठीक है तो हमें अपनी बॉडी में हेल्दी माइक्रोब्स का अमाउंट uh, ज्यादा रखना है आपने प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के बारे में सुना होगा जैसे वगैरह आता है या आपने नॉर्मल दही खा लो भाई भी नहीं खाओगे चलेगा नॉर्मल दही खा लो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है दैट इज अ प्रोबायोटिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझो भाई आज की आजकल की जनता हो तुम लोग हैं तुम लोग कैसे बेवकूफ बन सकते हो तुम तो बेवकूफ़ बनाने वाला जनरेशन हो तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बना रहा कोई तो समझो इस चीज को ठीक है सो Is also a इसलिए बोलते हैं ना पेट खराब है तो दही खा लो थोड़ा शांति मिलेगा तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू माइक्रोव आर हेल्पफुल टू यू सो वी आर गोइंग टू टेक इन टू अकाउंट दोनों हेल्पफुल हार्मफुल सारे हम देखेंगे ज्यादातर जो हार्मुल माइक्रोव है उनके बारे में बात हो रही है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में जुअलॉजी वाले चैप्टर है ना यहां पे हम लोग बात करेंगे थोड़े अच्छे माइक्रोब्स की जो हमें इन्फेक्शन नहीं कॉज करते लेकिन हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाकर दे देते हैं सबसे बेसिक जो आपके घरों में सबसे ज्यादा माइक्रोब के प्रेजेंस में आपको दिख जाएगा एंड दैट इज लैक्टो बैसिलस लैक्टो बैसिलस इज ऑल्सो नोन एज लैब नाउ वॉट इज लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब, ठीक है? Known as lab. अब आ जाओ आगे, जल्दी जल्दी शेयर भी फटाफट कहा हो तुम लोग यार ऐसे थोड़ा करते हैं हाँ लैक्टो एसिड दैट वी हैव इज अ बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड तो मिल्क को Convert कर रहा है वो कर्ड में अब कर्ड इज अ गुड सोर्स ऑफ वाइटमिन बी ट्वेल्विन बी ठीक है एक तरीके से मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है आपका ठीक है है क्या नाम है, nutrient content आपके पास कर्ड में मिलेगा सो so मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिटिव आपका आपके पास क्या हो गया? कर्ड हो गया गया विद रिस्पेक्ट टू हैव तो इसने इसकी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी बढ़ाई हमारे लिए तो अच्छी बात है भाई वेरी गुड वेरी नाइस अगला Body. एक ड्रिंक है जो पाम सैप से बनता है फ्रॉम पाम पाम ट्रीज़ होते हैं बड़े बड़े उनका जो सैप है अंदर उसमें फ्लूइड होता है उसको हम फोमेंट कराते हैं नेचुरल फर्मेंटेशन है बेटा ये ठीक है तो आप बाहर से कुछ डाल नहीं रहे हो जैसे आप दही जमाते हो तो आप दूध के अंदर बाहर से एक दही का चम्मच घुमा देते हो ना उसमें तो जो छोटा सा अमाउंट जो आपने लिया स्टार्टर जैसा स्टार्ट करने के लिए बैक्टीरियल कल्चर दही में दही जमाने के लिए जो आपने थोड़ा सा लिया ना उसको हम बोलते हैं इनोक्यूलम सो इनोक्यूलम इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल कल्चर विच हेल्प्स इन देन गोइंग फॉरवर्ड पूरा कल्चर करने में हेल्प कर देगा ठीक है अच्छा ऐसे टॉडी में क्या है हमने बाहर से कुछ नहीं डाला नेचुरली जो माइक्रोब्स है वो फर्मेंटेशन करा देते हैं तो आप देखोगे थोड़ा टाइम ज्यादा कितना टाइम पैलेटेबल रहेगा पैलेटेबल मीन्स जो आप कंज्यूम कर सको है ना ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स कुछ अराउंड एक या दो दिन के लिए ठीक रहता है फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खट्टा हो जाएगा तो जैसे जा आपने दही में भी देखा है ये चीज़ यू सीन दिस इन कर्ड ना अच्छा आपने ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखी होगी नहीं देखी होगी पता नहीं कौन सा दही आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच दही जो आप घर में खुद जमाते हो पैकेट वाला नहीं डब्बे वाला नहीं आप अपने घर के दही को देखो एक दिन ठीक रहता है दूसरे दिन थोड़ा खट्टा तीसरे दिन और खट्टा बहुत खट्टा हो जाता है बिकॉज़ द बैक्टीरिया स्टिल अलाइव एंड स्टिल फंक्शनिंग धीरे-धीरे धीरे-धीरे उसके ऊपर बाकी चीजों का ग्रोथ होने लगेगा आपका दही खराब होने लगेगा बैक्टीरिया भी उसमें जिंदा है अब जो पैकेट वाला दही आता है उसको दही बनाने के बाद अब उसके अंदर माइक्रोब का क्वांटिटी बहुत कम है और शायद ना भी हो <laughs> कोई भरोसा नहीं है क्योंकि पैकेजिंग से पहले सोच के देखो जब वो पैक हुआ वहां से जब तक आपके पास आया तब तक उसमें जो दही में माइक्रोब होगा वो कितना ज्यादा एम्पलीफाई हो जाना चाहिए और तुम्हारे पास कौन सा दही तुम्हारा ऑटो वाले भैया जो तुम्हारे घर के पास वाली दुकान तक दही पकड़ा के जाता है वो कौन सा एकदम मस्त रेफ्रिजरेटेड डब्बे में लेके आता है वो तो बस उठा के लेके आ रहे हैं ना क्रेट पे क्रेट इतनी गर्मी में तुम अपने घर का दही रख दो कैसा पागल जैसे ग्रो करता है वो राइट सो माइक्रो कंटेंट अगर एक्चुअली चाहिए तो घर का जमा हुआ दही काम का है बेटा डब्बे डब्बे वाला नहीं ठीक है डब्बे डब्बे नहीं लेते राइट एंड इफ यू बाय मोर डब्बा व्हाट विल इट लीड टू इट विल लीड टू मोर दही का डब्बा इन योर हाउस मोर दही का डब्बा इन योर हाउस विल लीड टू मोर प्लास्टिक इन द वर्ल्ड

इडली और डोसा फर्मेंटेड फूड फर्मेंटेड फूड इज इजी टू डाइजेस्ट एंड लाइट ऑन योर स्टमक तो डोसा वोसा अच्छा है ठीक है खाए करो अच्छा लगता है मुझे तो बहुत मस्त लगता है तो जिंदगी एवरी ब्रेकफास्ट इज मसाला डोसा या ठीक है इडली डोसा में आपको मिल जाएगा ल्यू को नोस्टॉक अब वही बात हो गई फिर से ये नोस्टॉक इज नॉट नोस्टॉक नोस्टॉक दिस इज डिफरेंट

इडली डोसा का बैटर में आपको चावल और दाल मिलेगा इट इज काइंड ऑफ आपके पास ब्रेड। ब्रेड के लिए तो बेटा आपके पास ईस्ट है सिंपल सा फंडा। ठीक है इसको ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है मेरे को हमारे पास जगह है क्या नहीं है रुको इसको ईस्ट को देखना तो जो ब्रेड है हमारे पास ईस्ट है ठीक है अब ईस्ट क्या करता है इज नोन एज बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विस ये ही। कौन सा माइसिस सर्विस एक और एक हो गया जब बेकर बेकिंग में यूज होता है बेकिंग में किस काम आता है आप जब ब्रेड बनते देखोगे अगर किसी ने देखा होगा तो हम क्या करते हैं आटा गूंद के वी फॉर्म द डो जिसमें ईस्ट मिलाया और उसको फिर कवर करके छोड़ देते हैं ठीक है इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं देखो इसके अंदर तीन स्टेप्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड मेकिंग तो ब्रेड मेकिंग में यू हैव थ्री स्टेप्स और थ्री मेन पॉइंट्स हमारे पास ना तीन एंजाइम रिलीज किए जाते हैं आपके ईस्ट से पहला माल्टेज जाइमेज अमाइलेज तो आपको पता है दिख रहा है आपको कि स्टार्च पे एक्ट कर रहा है अमाइलोज एक्ट करता है तो स्टार्च को ब्रेकडाउन कराने में हेल्प करता है माल्टेज ब्रेक डाउन माल्टोज शुगर और ये जो है ये कॉमेंटेशन कराता है ठीक है इन तीनों एंजाइम्स के यूज होने की वजह से ब्रेकडाउन हुआ शुगर का जो भी आपने ग्रेन यूज किया था ठीक है आप ब्रेड के लिए डो है ना आपके पास आटा जो आपने गूंधा उसमें कौन सा वाला आपके पास ग्रेन था आपने सुना होगा एक वाइट ब्रेड मैदे वाली एक ब्राउन ब्रेड एक होल व्हीट ब्रेड एक बहुत सुंदर मस्त तो डिफरेंस क्या आ रहा है वॉट सबस्ट्रेड यू आर यूजिंग ठीक है क्योंकि जा तो अंदर क्या रहा है ईस्ट ही जा रहा है बेटा अब ये तीनों प्रोसेस की वजह से आपने देखा होगा कि जो आपका आटा था वो इतने से फूल के इतना हो गया है ठीक बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है सीओ टू रिलीज होता है और उसकी वजह से देर इज राइजिंग ऑफ डो दिस इज नोन एज लेवनिंग लेवनिंग किसको कहते हैं राइजिंग ऑफ डो गुना हुआ आटा राइजिंग ऑफ डो ठीक है तो हुआ क्या है ये तीन एंजाइम काम किए जिसकी वजह से फॉर्मेंटेशन से आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ आप ब्रेड में तभी आप देखोगे स्पॉन्जी होता है ब्रेड होता है ना मस्त ऐसे फुसफुस -फुस. हाँ वो फुसफुस -फुस ब्रेड चाहिए हमको ठीक है बेटा राइट right. तो ये समझ में आया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चले आगे क्या बोलती पब्लिक गुड गुड चलो चीज ये पीछे भी था ये वाला ये, ये। पनीर है कह रही है तो ये तो ज्यादा कुछ नहीं है चीज की बात कर रहे हैं अब चीज में नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ ठीक है आगे बता रही हूँ नेक्स्ट वाले स्लाइड पे समझा रही हूँ हमारे पास अलग अलग तरीके की चीज आती है हमारे पास टेक्सचर होता है बहुत सारी चीजें होते हैं भाई जो जिनको बहुत पसंद है ना दर इज टेक्स्र ठीक है There is aroma, और टेस्ट uh, आपके पनीर को भी कॉटेज चीज कहते हैं पनीर जो है कॉटेज कॉटेज चीज ट्विस्टर ठीक अब हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ चीज आते हैं जिसमें हार्ड चीज जो बहुत सॉलिड होता है एक होता है बिल्कुल सॉफ्ट ठीक है एक होता है सेमी सॉलिड तो डिफरेंट टेक्सचर आया एरोमा खुशबू अलग अलग आती है चीज में और टेस्ट सम 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 आर सम आर आर वेरी खट्टा माइल्ड ब्लैंड तो अलग अलग टेस्ट किस पे डिपेंड करता है ये सब कुछ कि आपने कौन सा माइक्रोब यूज किया और आपने क्या सबस्ट्रेट यूज किया ठीक है आपने क्या चीज यूज करी है जिसको आपने चीज में कन्वर्ट करा है व्हाट टाइप ऑफ मिल्क हैव यू यूज्ड एंड देन वॉट काइंड ऑफ माइक्रोब यू यूज ठीक है तो चीज फॉर्मेशन में हमारे पास कुछ बड़े बड़े नाम आते हैं जो टॉमे जेरी वाली चीज है ये वाली इसको हम बोलते हैं बेटा स्विस चीज स्विस चीज इज फॉर्म्ड बाय प्रोपियोनी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी बड़े बड़े होल्स बने हुए हो हैं इसमें क्यों बने क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के टाइम पे मस्त बड़े बड़े बबल्स आते हैं तो दीज पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ड्यू टू रिलीज ऑफ सीओ टू फॉर्मेंटेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो इतने बड़े बड़े होल्स इसमें छोड़ देता है वो टॉमिंजरी वाला चीज ठीक है सो दैट इज द मोस्ट आइडियल जो आपको पता होगा फिर आपके पास जो ये मार्केट में आता है वो तो अलग होता है बेटा वो प्रोसेस्ड चीज होता है उसको तो हमने बहुत कुछ बना के पिचका के मस्त तुमको वो अमूल टाइप चीज दिया वो प्रोसेस्ड है बेटा ठीक है राइट right. तो ये सारी कहानी अभी इधर हुई अब देखो एक दो और लिख लेते हैं इसकी बात करते हैं ये जिसमें दिख रहे आपको ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स दिख रहे हैं है ना दिस इज रॉकफर्ड चीज रॉकफर्ट चीज फ़ॉर्म्ड बाय पेनेसिलियम रॉक रॉकफर्टाई ठीक है रॉकफर्ट चीज पेनासीलियम रॉकफर्टाई बहुत लोगों के दिमाग में होगा मैम पेनासिलियम तो एंटीबायोटिक होता है वो भी होता है ठीक है तो वी हैव तो डिफरेंट ियम विच हेल्प इन डिफरेंट फंक्शन ठीक जी शाबाश yes, ये हुई ना बात। अब देखो ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे है? तो ये दो मेन है जिसको ध्यान रखना है अगला पॉइंट एंटीबायोटिक्स लो आगे तुम्हारा पेनेसीियम का नाम ही लिया था और आगे हमारे पास एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक की कहानी सुनो तो हाउस होल्ड में काम आने वाली चीजें तो ये हो गई भाई चीज दही टमाटर प्याज आलू खता अब आता है एंटीबायोटिक लेवल पे ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ चीजें ये पॉइंट आप कहा कनेक्ट करोगे बेटा यहाँ के यू विल कनेक्ट टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आता है एसकोमाइसिटीज का, का मेंबर है कहां है तो यू कैन कनेक्ट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो अगर नहीं पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो भगवान के लिए इस चैप्टर को पढ़ते टाइम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साथ साथ कर लेना देखो, मैंने था ना, साथ मैं पढ़ा दूंगी तो के कर लेना। मैं ये नहीं कह रही, पूरा बैठ के पढ़ लो लेकिन था, क्या था, तो वाला पार्ट आप देख लेना ठीक जो इन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको क्लिक कर जाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है पेंसिल एंड पेपर एंड अगेन दूसरा आप इसको कनेक्ट कर पाओगे विद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस बायोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर से तो दो जगह ये चैप्टर आपको लिंक कराएगा बेटा माइक्रोब्स के साथ प्लीज पिछला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखना ऐसे ही साथ-साथ कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर ठीक अब लेट्स गो टू डिस्कवरी डिस्कवरी की कहानी कुछ ऐसी है कि इंसान अपना काम करता है ना तो काफी चीजें सीखता है जैसे मैंने कितनी बार तुमको बोला है कि तुम अपना डाउट अगर खुद सर्च करने और खुद समझने और उसको खुद ढूंढने जाओगे तो तुम अपने डाउट के साथ साथ चार चीजें और समझ के आओगे लेकिन अगर मैम ये नहीं है बता दो ये काम करोगे तो बस वो उसका आंसर मिलेगा शायद उसके बैकग्राउंड की कहानी ना मिले सो दैट सेम थिंग हैपन विद एलेक्सेंडर फिलिम ठीक है अब इन्होंने क्या किया ही वॉज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस ठीक है यहाँ कहीं लिखा नाम नहीं लिखा है नाम स्ट्रेप्टोकोकस के साथ ये काम कर रहे थे ठीक है पेट्री डिश बनाई हुई थी मां सुंदर सुंदर जा रहे थे वॉश करने जा रहे थे देखा कि एक पेट्री डिश में देखा कि एक पेट्री डिश में जो इन्होंने बैक्टीरिया का कल्चर लगाया हुआ है उसमें एक जगह पैच आ रहा है और इसके आसपास इस पैच के आसपास कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है ठीक है जहां पे ये पैच है ना जहां पे ये व्हाइट सा वाइट ग्रीनिश व्हाइट सा कुछ ग्रो कर रहा है मोल्ड उसके आसपास बैक्टीरिया का कोई कॉलोनी नहीं दिख रही है सो समथिंग इज बिंग रिलीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम या जो भी वो चीज है जिसकी वजह से आसपास बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा सो ही गेव एन आइडिया कि ये जो हमारे पास ग्रो कर रहा है दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम क्या है वो पेनिसिलियम नोटेटम ऑर्गेनिज्म ठीक है और वो अपने सराउंडिंग में रिलीज करता है पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है ठीक ये काम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बोला कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है तो दिस वॉज डिस्कवरी अब आप बोलो मैम क्या फायदा पेनिसिलियम को क्या फायदा ये केमिकल रिलीज करके इसके लिए तो कोई फायदा नहीं है कुछ खास इसका जस्ट इस जस तो, <laughs> वो, वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि पेनेसिलियम ढूंढ ढूंढ के मारेगा इट इज जस्ट देन और वो इस केमिकल के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पा रहा इसका हमें थोड़ा आइडिया लगा एंड आफ्टर दिस चेन एंड फ्लोरे इन्होंने इसको प्रॉपर एक एंटीबायोटिक में कन्वर्ट करा एंटीबायोटिक यार एंटीबायोटिक में कन्वर्ट किया ठीक है ही कन्वर्ट दिस मतलब उनके हेल्प से वी कुड फॉर्म अ प्रॉपर एंटीबायोटिक एंड दिस वाज यूज्ड दिस वाज यूज्ड वेयर कहां यूज किया इसको वर्ल्ड वॉर टू ठीक है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज किया टू यूज इट एग्जैक्टली लाइक अ टू सेव सोल्जर्स अमेरिकन सोल्जर्स मेजरली अब बात ही हो गई ना थोड़ा सा ना हमारे अब अब हम चीजों को थोड़ा ज्यादा ओवर थिंक करने लगे क्यों भाई ठीक है एंटी मींस अगेंस्ट बायोटिक मीन्स लिविंग सो दिस टर्म एग्जैक्टली मीन्स दैट इट इज अगेंस्ट लिविंग ऐसे प्रोबायोटिक बोलते हो जब आप तो प्रो लिविंग ये वो लिव चीजों को बढ़ा रहा है ये मार रहा है ठीक है बट ये हमारी तो जान बचा रहा है

यूज किया गया था प्रॉपरली एंटीबायोटिक की तरह दैट पेनिसिलिन टेकन आउट फ्रॉम पेनिसिलियम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम क्राइसोजेनम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम वाज़ द वन दैट वाज़ एक्चुअली जिससे हम एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट करते थे तो यहां पर दो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा आपके पास देखो एक तो है 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 सॉरी लियम लियम वाला फंगस है है ठीक और दो, दूसरा आपका है ठीक है स्टेप्टोकोकिस बेचारा मर जा रहा है इसको नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है इस पर हार्मफुल इफेक्ट चल रहा है और वहीं पर पे पेनेसिलियम को कोई फर्क नहीं पड़ता बोले रहता है रह नहीं रहता मत रह मेरे आसपास मेरे को तेरे तो ऐसा न्यूट्रिशन थोड़ी मिल रहा है मरता मर जा जिंदा रहता है जिंदर है तेरी मर्जी तो गिव्स नो, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एंड स्ट्रेप्टोकोकस नेगेटिव, ठीक है तो ऐसे को आप क्या बोलोगे कि जहां एक को हार्म हो रहा है दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज का ना पॉजिटिव मिल रहा है उसको कुछ ना नेगेटिव मिल रहा है उसको कुछ तो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज एमिन तो, और इसको जिसका बेचारे का नुकसान हो रहा है इसको बोलते हैं हम एमेंसन एमेंसन ठीक है या एलिपैथी भी बोल सकते हो आप इसको एंटीबायोसिस भी बोल सकते हो आप इसको तो तोलिज्म एंटीबायोसिस और एलिलोपैथी प्लांट्स में यूज़ुअली यूज करते हैं एलिलोपैथी वाला टर्म लेकिन सारे सिमिलर सिमिलर से ही है ठीक है बेटा ठीक बच्चे शाबाश चलो अगला वाला और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइक्रोब्स जिसमें कि हमारे पास तीन मेन कैटेगरी में डिवाइडेड हैं एक तो बैक्टीरिया से निकाले हुए एंटीबायोटिक्स ठीक है काफी सारे हमारे पास एग्जांपल्स है जैसे बैसिलिस इससे हमारा बैसिट्रिसिन आ जाता है Is also there. कुछ ऐसे हैं हमारे पास फिर एक्टीनोमाइसिटीज में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्टेप्टोमाइसिस से हमें बहुत सारे एंटीबायोटिक मिलते हैं स्टेप्टोमाइसिन ठीक है ग्रेसियस जैसे जैसे दिया हुआ है यहाँ पे ना

अल्कोहल में भी हमारे पास आ जाते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस इनको हमने डिवाइड किया दो कैटेगरीज में एक है डिस्टिल्ड और एक है नॉन डिस्टिल्ड नॉन डिस्टिल्ड इज गोइंग टू बी मोर लेस कॉन्सेंट्रेटेड लेस ट्रेटेड दिस हैजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल क्यों भाई डिस्टिलेशन से आप प्योरीफाई कर रहे हो उसको और यूर प्योरीफाइंग वजह से बिकॉज ऑफ दैट उसमें एल्कोहल कंटेंट ज्यादा हो जाता है जो नेचुरल फॉर्मेंटेशन है नेचुरल फॉर्मेंटेशन है अब जैसे यह मान लो कोई एक बॉटल है जैसे ये बॉटल है ठीक है यह बड़ी खुश है जिंदगी में

इसके लिए ठीक नहीं है तो वो जो अल्कोहल है आपके लिए भी ठीक नहीं है किसी के लिए भी ठीक नहीं है अल्कोहल इज एक्चुअली इंजूरियस टू हेल्थ लेकिन वो जो अल्कोहल उसने फेंक के मारी है ना बाहर ठीक है करते जाओ इकट्ठा बाहर आने दो अल्कोहल आने दो अल्कोहल आने दो अल्कोहल लेकिन कितना आने दो इसको इधर हाउ मच ऑलमोस्ट थर्टीन परसेंट तक टॉलरेट करेगा उसके बाद खुद टपक जाएगा थर्टीन परसेंट थर्टीन परसेंट तक अपने आसपास के अल्कोहल को रखता है और फिर टपक जाता है मर जाता है ईस्ट आप खुद को ही टॉक्सिक बना लेगा अपने आसपास के एनवायरमेंट को टॉक्सिक बना लिया इसलिए जो नेचुरल फर्मेंटेड नेचुरली फोर्मेंटेड ड्रिंक्स हैं जैसे कि वाइन एंड बियर डीज टू विल हैव लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल थ्री पॉइंट सिक्स नाइन पॉइंट ट्वेल्व नहीं होगा इससे ज्यादा अगर इससे ज्यादा अल्कोहल परसेंटेज बियर या वाइन में मिल रहा है बियर में तो नहीं होगा वाइन में भी बहुत रेयरली यू फाइंड इट बट इफ इट इज देयर देन दैट मीन कि उसके अंदर एडिशनली एड add किया गया है, ठीक है एडिशनली एड किया गया है बाकी तीन बाकी जो आपके पास है विस्की ब्रांडी रम जिन वोडका दीज आर ऑल डिस्टिल्ड these are all distilled ठीक है दीज आर नॉन डिस्टिल्ड अब डिस्टिल्ड वाले में आप एल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन देखो 50 परसेंट सिक्सटी सेवेंटी फोर्टी फोर्टी सिक्सटी टू एट्टी परसेंट काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वेरी वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन लेकिन मेन चीज क्या डिफरेंस किस पे बनाया आपने मेयर इज मेजरली ऑन माल्टोज शुगर तो बार्ले व्हीट ऐसे आपके आपके होंगे। होता होता है। है है? है फिर आ जाता है आपके पास fermented cereals, पे fruit juices again, brandy, molasses क्या होता है? गन्ने का जूस निकाल लेते हो, है ना? तो जूस जो सेपरेट हो गया उसके बाद जो आपके पास बचा भूजा उसका फर्मेंटेशन मोलासिस ठीक है राई मॉल राई इज अगेन योर छोटा ग्रेन्स में आ जाएगा एंड पोटैटो परोट का ठीक है हां जी ओहो एकदम इंटरेस्ट आ गया देखो चार्ट में सारी बात कॉन्सेप्ट यहाँ की हो रही है सारी बात यूज़र की हो रही है कोई रिंकी पिंकी नहीं हो रही अब कोई पी मू कोई नहीं है कोई नहीं है अब किसी की बात नहीं हो रही वाह बेटा वाह पहली बार मैं वहां से यहां आई हूं और मेरे को चैट में सारे कमेंट्स रिलेटेड टू व्हाट इज देयर ऑन द बोर्ड आई एम सुपर हैं भाई लड़की तो दिल तोड़ेगी दारू नहीं तोड़ेगी इतना चमाट खाओगे ना टिंगे पिंगे से हो तुम लोग अभी दारू दारू मत पियो कुछ अगर इफ एनी बडी इज इन दैट स्टेज प्लीज डोंट ड्रिंक दिस इज एक्चुअली इंजूरियस टू हेल्थ कोई बेनिफिट नहीं है इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज अंडर बेनिफिट ऑफ एल्कोहॉल लेकिन इस टाइम पे और एडवर्स इफेक्ट आएगा बिकॉज योर बॉडी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हॉर्मोनल चेंजेस एंड कुछ बच्चों की हाइट साइड भी बढ़ रही होगी तो प्लीज डोंट डोंट अफेक्ट दैट ठीक है आपको एक्चुअल फिजिकल हेल्थ पे इशू आएगा सो अंडरस्टैंड दैट चले आगे ओ क्या और सैड टॉपिक कोई नहीं पढ़ लेते हैं यार इस पेपर आ जाएगा कोई ना इट्स ओके okay. कोई दिल पे पत्थर रख के थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक ओके ना ऑर्गेनिक एसिड्स अब इंडस्ट्रियल लेवल पे हम बहुत सारी चीजों का एक्सट्रैक्शन करते हैं फॉर कमर्शलाइजेशन ठीक तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है ऑफ एसिटिक एसिड से स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है एसिटो बैक्टर एसिटी एसिटो बैक्टर एसिटी

ऑलिव्स वगैरह ही आते हैं यार ऑलिव्स आ गया ककंबर पिकल आ गया ये सब एक जार में कंटेनर में आते हैं थोड़ा सा खट्टा सा फ्लूइड एंड दैट इज विनेगर क्या करता है प्रिजर्वेटिव जैसे ऐड करता है सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर नाइगर इससे एक्सट्रैक्ट होता है ये भी प्रिजर्वेटिव जैसे एक्ट करेगा आप अपने घर पे कोई भी शैम्पू की बोतल पलट के देख लेना कोई भी अपनी क्रीम व्रीम की बोतल पलट के देख लेना ठीक है आपको पीछे सिट्रिक एसिड लिखा दिखेगा उसमें इन इंक्लूडिंग योर कॉस्मेटिक्स टू योर समथिंग दैट यू आर ईटिंग सिट्रिक एसिड मेजरली प्रिजर्वेटिव जैसे यूज होता है तो ये दो हो गए ईजी फोर्थ थर्ड वाला ये भी बहुत ईजी ये बहुत ईजी इसको तो जानते ही हो अभी पढ़ाया लैक्टिक एसिड कौन बनाएगा लैक्टो है ना? क्या बनाने में हेल्प करता है यूज क्या है इसका इजी अब आ जाता है ग्लूकोनिक ग्लु एसिड और ब्यूट्रिक एसिड बेटा ब्यूट्रिक एसिड की थोड़ी और कहानी लिखते हैं या मैं ऑर्गेनिज्म का नाम लिख देती हूँ uh, Beautiful. ये बनाता है बेटा रांसिड बटर रांसिड बटर आपने देखा होगा जो आप घर पे पता नहीं कितने लोगों को आइडिया है इस चीज का बट घर पे जो मक्खन मक्खन होता है मस्त बिंदास वाला मक्खन अच्छा वाला मक्खन है ना अब ये जो नॉर्थ बेल्ट है हमारा उसको तो पता ही होगा पंजाब हरियाणा यूपी तुमने तो घर पे देखा ही होगा सफेद मक्खन निकालते हैं है ना तो ये जो सफेद मक्खन हमारे पास घर पे स्टोर होता है आप फ्रिज में रख दो उसको थोड़े दिन वो येलो हो जाता है खट्टी खट्टी स्मेल आने लगती है है ना फिर मम्मी उसका घी बना देते हैं राइट सो वो जो वाइट वाला आपके पास मक्खन है जो येलो पड़ जा रहा है दैट इज बिकॉज इट इज गोइंग रैंसिड खराब हो रहा है वो उसमें माइक्रोब का ग्रोथ हो गया है किसका ग्रोथ हो रहा है ब्यूटोलिकम का ग्रोथ हो रहा है ठीक है ब्यूटलिकम इज रिलीजिंग ब्यूट्रिक एसिड ब्यूट्रिक एसिड इज कन्वर्टिंग दैट मक्खन इन अ खराब मक्खन आप लेकिन अमूल बटर देखो या कोई भी ऐसा बटर देखो जो ऑलरेडी पीला है तुम तो मक्खन का जो बार लेके आते हो उसको देखा है ना वो ऑलरेडी पीला होता है कलर में यू सीन ऑलरेडी येलो इन कलर वाई इज इट येलो इन कलर हम क्या करते हैं उसमें बहुत सारा सॉल्ट डाल देते हैं अनसोल्टेड बटर आपको मिलेगा नहीं मार्केट में इतनी आसानी से रीजन बड़ी जल्दी खराब हो जाती जब आप इतना ज्यादा सॉल्ट डाल देते हो तो माइक्रोब्स लाइक हेंस के बटर कैन नॉट गो बैड बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी बैड ठीक है ऑलरेडी इतना ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मिला दिए हो कि अब उस पर यह माइक्रोव ग्रो नहीं करेगा आपका बटर खराब नहीं होगा हाउ कैन समथिंग इट इज ऑलरेडी बैड गो बैड ठीक है क्लियर चलो आ जाओ अगला ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड इज अगेन एस्परजिलस से आपका ग्लूकोनिक एसिड आएगा बेटा और दिस इज यूज टू एज एज अ कैल्शियम सोर्स कैल्शियम सोर्स फॉर लैक्टेटिंग मदर्स एंड काउस मिल्क प्रोडक्शन है, है ना उसमें थोड़ा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने में मदद कर सकता है सो ग्लू ग्लूकोनेट बनाने में हेल्प करता है ग्लूकोनिक एसिड दैट वी है सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर इन्फेंट्स काउस एंड लैक्टेटिंग माथर्स ठीक है ग्लूकोनेट येस कैल्शियम ग्लूकोनेट परफेक्ट सो ये है आपके इंडस्ट्रियल यूजेज में ऑर्गानिक एसिड हो गए सारे याद ईजी है इसका नाम तो इसी में है ये याद है तीन ही तो याद कर ले और तीन में के दो का नाम एसप्रोजेलस एस्प्रजिलस है इसका नाम इसी के अंदर है ब्यूटिक ब्यूट्रिक एसिड ब्यूटिलिकम बनाता है ये जी चार बार लिखना याद हो जाएगा माथे बिपक जाएगा ठीक चलो अब आते हैं हमारे पास एंजाइम्स लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू एंजाइम्स एंजाइम्स से हमारे पास आता है बेटा लाइपेजिस लाइपेजिस का यूज आता है मेजरली डिटर्जेंट ठीक है जो आपके नए वाले डिटर्जेंट आते हैं आजकल बड़ा ऐड नहीं आता कि ऐसे जूप जाता है एक बार सफेदी की चमकान ठीक है तो हो क्या रहा है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ लिपिड्स लाइपेजेस विच आर नट डिफरेंट डेरिवेटिव अगर आपके कपड़ों पे हैं, तो डिटर्जेंट्स और सोप्स में उनको हम ऐड कर देते हैं ठीक है ऑप्टेन फ्रॉम कैंडेडा लाइपोलिटिका ये नाम याद रखना लाइपोलिटिका एंड जियो कैंडिडम जियो कैंडिडम लिखोगे तीन चार बार याद हो जाएगा कैंडेडा लाइपोलिटिका लाइपोलिटिका में लाइपो है ऑलरेडी लाइपेस है और इसके पहले वाले वर्ड से दूसरा वाला वर्ड है जियोट्राइकम कैंडिडम ठीक है अगला प्रोटीनेज एंड पेक्टिनेज क्लैरिफाइंग फ्रूट जूस घर पे निकाला हुआ जूस की कंसिस्टेंसी और मार्केट से लिया हुआ ये रियल ट्रॉपिकाना का जूस या कोई भी और देर इज अ डिफरेंस इन कंसिस्टेंसी वो बड़ा स्मूथ होता है वो डब्बे वाला जो होता है बड़ा स्मूथ होता है और आजकल एक अलग नया नया मार्केटिंग निंजा टेक्निक आई है जो क्या करती है हम हाँ, आपको एडिड पल्प देंगे तुम हो बेवकूफ चुपचाप जाओ संतरा खा लो ठीक है ज्यादा जूस पीने का दिन में दिल में इतना अपना खाब नहीं उगाते चुपचाप जाओ मस्त बिंदास संतरा खाओ सेब खाओ डायरेक्ट खाओ उसमें ही मिलावट है तो उसके जूस में तो कितनी होगी सोच लो प्लस एडेड शुगर्स नो एडेड शुगर्स हैज एडेड शुगर्स वट यू वॉन्ट यू सी डू अंडरस्टैंड दैट वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट मैं जो बोलोगे वो हो जाएगा सो विश वेरी केयरफुली वेरी वेरी केयरफुली ठीक है यू विल गेट वॉट यू विश फॉर आई वॉन्ट जूस विद नो एडेड शुगर लिख दिया डब्बे पे लेकिन अंदर मीठा ही निकला ना वो जितनी मीठा मीठा लीची का जूस आता है उतनी मीठी लीची होती है सो so, और तुम्हें लीची दिखती लीची के कॉर्नर में कीड़ा होता है तुमको पता थी ये बात मेरे को भी थोड़ा दिन पहले पता चली बीज का जो क्राउन सा होता है ना वहां कीड़ा होता है अगली बार देख के खाना जो सीधा छीलो घोप ठीक है बट एज पर माई पापा कॉन्सेप्ट लीची के कीड़े ने भी तो लीची ही खाई होगी खा जा बेटा ठीक है लेकिन नहीं ठीक <laughs> नहीं है सो डोंट हाँ इधर क्या है इसका हम प्रोटीन एंड पैक्टेनाइज वी आर ब्रेकिंग डाउन सो द कंसिस्टेंसी बिकम्स वेरी स्मूथ ठीक है ऑर्गेनिज्म के नेम बार 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 याद करने की कोशिश बस देखो एस्परजिलस एस्परजिलस ये तो कॉमन ही है बेटा बैसेलस भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है ठीक है बाइसोक्लैमिस इज अ डिफरेंट नेम दैट यू कैन एड टू योर नॉलेज ठीक है अगला स्टेप्टोकाइनेजिस स्टेप्टोकाइनेजिस हम बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ये कोकस से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ठीक है स्ट्रेप्टोकोकस से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज इज गोइंग टू हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन क्लॉथ तो कुछ ऐसे एक्सीडेंट केसेस हो गए या कुछ ऐसे रेयर कंडीशन हो गए जिसमें कि हमें क्लॉट डिजोल्व कराना है तो वी कैन यूज स्टेप्टोकाइनेजेस इतना कॉमन नहीं है वी हैव डिफरेंट मेथड्स नाउ बट दिस कैन बी यूज्ड ठीक है ब्लड वेसल्स में कुछ क्लॉटिंग हो गई है सो कुछ एक्सीडेंट केसेस हो गए या so फिर कोई और रीजन है सो वी गिव ये एज क्लॉट बस्टर्स अमाइलेज नाम में ही है अमाइलोज को ब्रेक डाउन करेगा अमाइलोज को ब्रेक डाउन करेगा तो को ब्रेक डाउन करेगा तो अमाइलेजेस आर ऑलसो यूज एज पर राइजोपस बैसिलस तीनों नाम सुने हुए हैं आपने ठीक है अगर थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मैं क्यों कनेक्ट करने को बोल रही हूँ थोड़ा सा कनेक्ट करके देखना इज फंगस कौन सा इट बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज राइजोपस बिलोंग्स टू जाइगोमाइसिटीज फंगस बैसिलस बिलोंग्स टू मोनेरा तो थोड़ा सा पिछले चैप्टर से कनेक्ट करो अपने आप चीजें और धीरे 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 बेटा लिंक होती जाएंगी और जितना चीजों में जितना चैप्टर्स में लिंक क्रिएट करोगे ना उतना कम रटना पड़ेगा अपने आप आपका दिमाग याद रखेगा वो चीज कि देख ये यह यहां भी था 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 तो इसलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा ना राइट सो देर इज ऑलवेज सम लिंकिंग दैट हेल्प्स योर ब्रेन टू रिमेंबर देन आर बायो एक्टिव कंपाउंड एक तो ये हो गया आपका साइक्लो स्पोरिन ए स्पोरिन ए आप इसके कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखो साइकिल जैसा ना सर्कल साइक्लोस्पोरिन ए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम श्राइकोडर्मा इज बेसिकली गोइंग टू एक्ट एज अम्यूनो सप्रेसेंट तो जिन पेशेंट्स के अंदर ट्रांसप्लांट होता है ठीक है चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है या कोई भी ट्रांसप्लांट है जहाँ ग्राफ्टिंग हुई है तो बाहर से आपको कोई एक नया ऑर्गन दिया गया है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को रिड्यूस रखना है क्योंकि वरना आपकी बॉडी का सेल आएगा बोलेगा ला, ला सारे हरे सेल हरे सेल हर नीला सेल की तरह से आया मारो इसको तो जो भी आपको हमने ग्राफ्ट लगाया है या जो भी आपके पास अलग से बॉडी के अंदर कोई फॉरेन डोनेशन से या आपके पास कोई ऑर्गन आया है ट्रांसप्लांट हुआ है दैट विल बी रिजेक्टेड तो इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स दिए जाते हैं जिनको बोला जाता है इम्यूनो सप्रेसेंट इसलिए जितने भी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं जिनका कभी कोई भी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है किसी चीज का तो उनको यूजुअली बहुत एक्सट्रीम गंद में या गंदी जगह पे रहना या फिर कुछ खराब जगह से खाना ये चीज अवॉइड ही करने को बोलते हैं बिकॉज दे कैन कैच इंफेक्शंस वेरी क्विकली देर इम्यूनिटी इज कंपैरेटिवली वीक ठीक है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज अ नेम ठीक पॉली स्पोरम है यार क्या हो रहा है आज स्पोरम ठीक है बेटा स्पोरम ठीक है अगला आ गया हमारे पास स्टैटेंस ये पूरा चार्ट अब स्टैट क्या करते हैं आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने का काम करते हैं दे रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रोल ठीक स्टैटेंस आपका आ रहा है फ्रॉम ईस्ट कोई एक ईस्ट है हमारे पास जो बना रहा है फंगस है कौन है इसका नाम मोनो एस्कस परप्यूरेंस मोनो एस्कस परप्यूरेंस इज फॉर्मिंग दिस स्टैटिन ठीक है पाथवे में क्या हो रहा है हमारे पास एक तरीके से पाथवे द होल पाथवे एम ड्रॉइंग ऑन अनदर पेज ठीक है दूसरे पेज पे बना रही हूं वैसे इसमें है आपको नोट्स में जब देखोगे तो डिटेल मिल जाएगा लेकिन यहां पे मैं आपको बना के दिखा रही हूं ठीक है हाँ अरे यार हा ओके एच एम जी को ए नाम का एक कंपाउंड है आपके पास ठीक है ये आगे जाता है दो चार पाथवे में आगे पहुंचेगा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा ठीक है एंजाइम जो इस स्टेप पे काम आने वाला है उस एंजाइम का नाम है एच एम जी ठीक है कहां जा रहा है पाथ में आगे 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 कोलेस्ट्रॉल बनाने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा सेल में ज्यादा होगा ठीक है कैसे कन्वर्ट कराता है क्या चीज हो रहा है यहां पे कन्वर्जन एच एम जी को मैवलोनेट माव, में और मैवलोनेट आगे तो हमारे पास यूजुअली मैवलोनेट का कंपाउंड होना चाहिए मैवलोनेट ये बाइंड करता है इस एंजाइम को तो ये इस पाथवे में, में आगे निकल जाता है लेकिन बट वॉट इज हैपनिंग इस स्टेप पे एंट्री मार जाता है स्टार्टिंग बोले मैं जाऊंगा और मैं इस प्रोसेस को रोक दूंगा स्टैटिन मैग्लोरेट के साथ स्पीड में कंपीट कर रहा है इट्स अ कॉम्पिटेटिव एनमिटर भागेगा इसी एंजाइम को खराब करना है टारगेट ये एंजाइम है मैग्लोरेट पहले जुड़ा तो ये टक 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 आगे लेकिन नहीं स्टैटिन जुड़ गया तो ये प्रोसेस यही रुक जाएगा एंजाइम की होगी बाय बाय एंजाइम बोला मेरे से नहीं हो रहा काम मैं बैठ गया हेंस कोलेस्ट्रॉल पाथवे फॉर्मेशन आगे नहीं जाएगा टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड ठीक है नॉट गोइंग फॉरवर्ड ओके okay. तो so, यही चीज यहाँ पे बेटा पाथवे में आई कहा चीज सेम ये पाथवे में बता रहा है यहां पे एच एम जी को मैवलोनेट मैवलोनेट आगे चला जाएगा कोलेस्ट्रॉल बनाने लेकिन इस पॉइंट पे आपके रिडक्टे को खराब कर देंगे देगा स्टैट आर गोइंग टू निंजा टेक्निक ठीक है सो दिस इज वेर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है स्टैटिन क्या हेल्प करता है मैच द फॉलोइंग आ जाता है क्योंकि मैच द फॉलोइंग एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट एक टाइम पे चेक कर सकते हो ठीक है तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर इन इस पोर्शन से जो मैंने आज कराया है कल वी विल बी डूइंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ठीक है उसको भी कवर करा दूंगी मैं चलो बहुत सारे नए नए बैचेस आ गए हैं 2022, 23 के ऑलरेडी हमारे गोइंग ऑन बैच मतलब बैचेस आर गोइंग ऑन अभी भी ठीक है प्लांट किंगडम का था सेशन है ब्रायोफाइटा था कराऊंगी मैं कल सो बी देयर ऑन टाइम प्लीज यहां पे Alive, लगाओ और जल्दी से क्लास में आ जाओ -E -E ठीक है बम्पर इज स्टिल गोइंग ऑन ये जो टेन परसेंट रेफरल कोड वाला पॉइंट है वो इधर है ये आपका रेफरल कोड है ठीक चलिए इसको यूज कर लो फटाफट से संडे को ग्यारह बजे पेपर है ठीक ये देना है सबको कंपल्सरी है अट्ठाईस क्वेश्चन होंगे जिसमें सात क्वेश्चन बॉटनी के हैं मैंने बनाया बहुत ईजी है

स्पेशल क्लास है कल टुमारो देर इज अ फ्री स्पेशल क्लास जिसमें मैं पढ़ा रही हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आज एप डाउनलोड कर लो थोड़ा घूमो फिरो जानो चीजों को पहचानो और डाउनलोड करते ही पूछेगा किसने बोला डाउनलोड करने को तो कोमल लाइव ठीक है के ओ एम एल एल आई वी ए लाइव कोमल मैम ने बोला था उनकी क्लास अटेंड करनी है वैसे तो लेकिन ये क्लास कल है कितने बजे मैम नाइन थर्टी पीएम साढ़े नौ बजे ठीक है अगर लिंक नहीं मिलेगा तो वो मैं टेलीग्राम आई पे अपडेट करूंगी क्लास से एक घंटा पहले तो जैसे ही हमारी क्लास यहाँ से खत्म होती है नौ बजे हम मैं तुरंत आधे घंटे पहले आपको लिंक भेज दूंगी टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे लिंक पे क्लिक करना और चले जाना ठीक है मैं अभी क्यों बोल रही हूँ आप डाउनलोड करने को थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे चीजों से डाउनलोड कर लो पसंद आए तो प्लस पे आ जाना फिर बाद में और आइकॉनिक में भी आ सकते हो आइकॉनिक में आपको एक अच्छा सा मेंटोर मिल जाता है जो आपको वीकली अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है सब कुछ प्लानिंग व्लानिंग में कोड लगाओगे क्या जहाँ पूछेगा कोड कोड लगेगा क्या कोमल लाइव देखो सब्सक्रिप्शन लोगे तो दस परसेंट ऑफ मिल जाएगा इससे और सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तो बस एंट्री के लिए गेट पास के जैसे एक्ट कर जाएगा ठीक है गेट पास जैसे एक्ट कर जाएगा इसको मत भूलना आई विल सी यू इन क्लास बेटा हैंड रिटन एंड थिंग सब्सक्राइब लाइक शेयर जल्दी जल्दी से पी डी एफ में अभी टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर रही हूँ एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट इट अपडेटेड नीचे टाइम में ठीक आज कोई क्लास नहीं है लेकिन कल का प्लान बता देती हूँ की, की क्लास कल की एट पी एम वाली क्लास जिसमें हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कंटिन्यू करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोगैस प्लांट और आगे का बायो कंट्रोल एजेंट एंड देर इज नाइन थर्टी पी एम प्लाज्मा मेमब्रेन सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रही हूं मैं दिस इज एब्सुलूटली फ्री मेक श्योर दैट आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ जुलाई में आई विल बी टेकिंग सेल चैप्टर फॉर इलेवेंथ क्लास ठीक है बेटा हमारे पास लिविंग वर्ल्ड हो जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा प्लांट किंगडम हो जाएगा एंड देन वी विल गो फॉर कंटिन्यूएशन अगले में भी मैं आपके साथ आगे सेल चैप्टर पढ़ा दूंगी ठीक है तो उसके लिए थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आइडिया होना चाहिए मैं वो भी बता दूंगी लेकिन मैं वहाँ पे भी पढ़ाऊंगी चिंता मत करना ऐसा मत सोचना मैम फ्री में पढ़ा दी तो आप नहीं पढ़ाओगे पढ़ाऊंगी वो भी पढ़ाऊंगी ठीक तो आपको एक आइडिया देने के लिए है कि प्लस क्लासेस कैसे होते हैं और क्या होता है उस उसमें तो इसके लिए आप कल एनरोल कर सकते हो ठीक है चलिए आई विल सी यू टुमारो टेक केयर स्टे हैप्पी स्टे हाइड्रेटेड स्टे सेफ टेक केयर ऑफ़ यूर सेल्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू टुमारो बाय बाय